हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सिक वॉरियर। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे ये वीडियो बना रहा हूँ और इस ऐसे टॉपिक पे बातचीत होगी आज, जो कि आप लोग बहुत सारे लोग चैट में रेगुलरली क्वेश्चन पूछते हो। ई स्पोर्ट्स जो वर्ड है, ये ई स्पोर्ट्स वर्ड क्या है और ई स्पोर्ट्स में कैसे घुसें, ई स्पोर्ट्स पे कौन कौन से गेम्स होते हैं, ई स्पोर्ट्स को कैसे ई स्पोर्ट्स में अपना करियर कैसे बनाएं, तो ये सारे क्वेश्चंस होंगे जो हम आज आंसर करेंगे। और आप जब इस वीडियो को एंड तक देखो तो आप 100% इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में रिलेट कर पाओगे, क्योंकि अगर आपके अंदर भी वो गेमिंग का कीड़ा है, ई स्पोर्ट्स का कीड़ा है, या मे बी गेमिंग को करियर बनाने का कीड़ा है, तो आप काफ़ी कुछ रिलेट कर पाओगे। सो आज मेरे साथ मौजूद हैं गौतम वर्क, जो कि नॉर्डविन गेमिंग में काम करते हैं। नॉर्डविन गेमिंग, अगर आपको नहीं पता तो बताना चाहूँगा, एक वेल नोन रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, बहुत सारी इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं इन द फील्ड ऑफ गेमिंग इन इंडिया, और काफ़ी नाम है। गौतम वर्क से आज हम बातचीत करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको आंसर नहीं करूँगा, ही विल आंसर यू, बिकॉज ही इज़ द एक्सपर्ट इन ऑल ऑफ दिस। एंड आप लोग को इन डेप्थ वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मैं तो आप लोग को बताते ही रहता हूँ जितना भी चैट में होता है, बट ही विल टेल यू बेटर। एंड आप लोग को क्या पता एक एक्सपर्ट से सुन के और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए एंड आपको और ज़्यादा तसल्ली हो। सो या लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट। एंड आज मेरे साथ मौजूद हैं गौतम वर्क। ये इंडिया के एक लीडिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, इनकी कंपनी का नाम है नॉर्डविन गेमिंग, और आप लोग ने नाम सुना ही होगा अगर आप लोग भी ई स्पोर्ट्स को फॉलो करते हो या गेमिंग को फॉलो करते हो। तो नॉर्डविन गेमिंग काफ़ी टाइम से इंडिया में है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करा चुकी है। मैं आज इस टॉपिक पर डिस्कस करूँगा कि जो ई स्पोर्ट्स का पार्ट है, जो ई स्पोर्ट्स है, वो ई स्पोर्ट्स एक्चुअल में है क्या, और ई स्पोर्ट्स के अराउंड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं जो कि रेगुलरली मेरे चैट में लोग पूछते हैं कि पाजी ई स्पोर्ट्स में हम कैसे जाएं, मुझे बहुत मन करता है ई स्पोर्ट्स में जाने का और मुझे ई स्पोर्ट्स में कम्पीट करने का मन करता है बट घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि ई स्पोर्ट्स के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो भी गेम के टूर्नामेंट्स होते हैं, उनके बारे में हमें कोई भी खबर नहीं लगती, हमें पता नहीं चलता है कि कब वो टूर्नामेंट हो गया, कब हो रहा है, कब होने वाला है, कुछ भी मुझे पता नहीं चलता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम आंसर करेंगे। इसके अलावा भी कुछ दो चार क्वेश्चंस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे और भी एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू दिस और लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। जो ई स्पोर्ट्स है, ये ई स्पोर्ट्स एक काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग वर्ड लगता है यंगस्टर्स को। मतलब अगर मैं भी अभी अपनी एज को अगर बोलूँ कि मैं 16 साल का हूँ, 18 साल का हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग सा ये टॉपिक है ई स्पोर्ट्स। तो क्या आप बताओगे ये ई-स्पोर्ट्स क्या है और लाइक कैसे लोग इसको और एक्सप्लोर करें? वेल, ई-स्पोर्ट्स इज अ न्यू कल्चर नाउ यार, हमारे बेसिकली इंडिया में और साउथ एशिया में और वर्ल्ड वाइड में एक नया कल्चर बन गया है ई-स्पोर्ट्स इस टाइम पे। और ये स्पेसिफिकली एक कंपेटिटिव गेमिंग नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम है बेसिकली बाय इटसेल्फ। तो अभी हम ई-स्पोर्ट्स की अगर बात करते हैं फॉर एग्जांपल कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक एज अब हर एक गेम के अब टूर्नामेंट्स होने लग गए हैं, काफी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट बन गया है, इवन ई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक गेम्स आने लग गए हैं इस टाइम पे। तो एक ई स्पोर्ट्स एक बहुत ही बहीमत बन चुका है इस टाइम पर, एंड हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट कि ई स्पोर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं। ई स्पोर्ट्स एक बड़े लेवल पर काफी यू नो कंपनियां खड़ी हो सकती हैं, टूर्नामेंट्स खड़े हो चुके हैं यहाँ पे, ऑर्गेनाइजर्स खड़े हो चुके हैं यहाँ पर, ई स्पोर्ट्स में काफी जॉब्स का परस्पेक्टिव हो चुका है इस टाइम पे, रेंजिंग फ्रॉम कंटेंट राइटर्स, वीडियो एडिटर्स, लिखना है आपको कुछ, आपको कास्टिंग करनी है गेम, होस्ट करना है, तो वो नॉलेज जो ई स्पोर्ट्स की अब काफी जो नए बच्चे जो ग्रेजुएट हो रहे हैं इस नॉलेज के साथ, वो अब ई स्पोर्ट्स की काफी बड़ी दुनिया में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि अब जो जॉब्स आपकी नॉर्मल कंपनीज में होती थी बिल्कुल, वो अब ई स्पोर्ट्स में भी अब खड़े होने लग गए हैं, जस्ट लाइक एनी अदर यू नो कंसल्टिंग या यू नो बाकी जो नॉर्मल कंपनीज हैं उनमें जॉब्स हैं, ई स्पोर्ट्स भी अब बिग इनफ हो चुका है उस लेवल पे कि अब काफी मतलब आप कह रहे हो कि अब लिंक्डइन में जाके लोग ई स्पोर्ट्स सर्च कर सकते हैं कि हाँ मुझे ई स्पोर्ट्स के सेक्शन में जॉब चाहिए। नॉट जस्ट अभी क्या है, छोटे लेवल पे जो बच्चे देखते हैं अभी ई स्पोर्ट्स को, बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं अभी, वो उनको उनके दिमाग में होता है यार हमें ई स्पोर्ट्स का मतलब है कि बस कम्पीट करना है, ये जरूरी नहीं है इस टाइम पे। इवन इफ यू फील दैट यू आर नॉट गुड इनफ टू कम्पीट एट अ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज नाउ मोर देन एवर।
पहले से कई गुना ज्यादा अब 2021 में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ चुकी है ई स्पोर्ट्स में, अगर आपका इंटरेस्ट है इस ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आने के लिए, चाहे आप क्रिएटिव से हो या कंटेंट राइटिंग से हो, मार्केटिंग से हो, फाइनेंस से हो, सेल्स से हो, ये सब पोजीशंस अब आपको यहाँ पे ई स्पोर्ट्स में मिलने लग गई हैं इस टाइम पे, क्योंकि काफी ग्रोथ हो रही है सेगमेंट के अंदर और काफी कंपनियां इसमें अब काम करने लग गई हैं। हम यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो जो फैसिनेटेड हैं ई स्पोर्ट्स के नाम से और कॉम्पिटिटिव गेमिंग करनी है उनको, तो कौन कौन से गेम्स हैं इंडिया में? अभी मैं इंडिया की स्पेसिफिकली बात करूंगा। ऑफ कोर्स देयर आर ई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक गेम्स टाइटल्स हैं जो काफी पॉपुलर है हमारी कंट्री में, कुछ बैन भी हो चुके हैं जो जिनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, बट मोबाइल गेम्स काफी जो स्ट्रॉन्ग इस टाइम पे चल रही है, फ्री फायर, कॉड मोबाइल, there are PC games like Valorant, Counter Strike, there's the whole Supercell ka jo pura jo series hai games ka, ye काफी popular games hai. So, but it really comes down to the fact, like मैं ये नहीं कहना चाहूंगा किसी को यार कि अगर आपको ई स्पोर्ट्स में घुसना है तो ये गेम खेलें जाकर. आई थिंक वो एक नेचुरल डिस्कवरी होनी चाहिए बंदे की, और या फॉर अ लेडी और अ मैन, कि कौन सी गेम का उनको इंटरेस्ट है. ऐसा ना हो कि भाई मेरे को e-sports करना है तो I need to go and focus on a particular game. As I said earlier, e-sports is much broader than just these couple of games. पर हाँ, अगर इंडिया स्पेसिफिकली और नंबर्स की बात करें इस टाइम पे गेम Valorant, Counter Strike है, PC games जो काफी बड़ी हैं, हमारे Free Fire, Call of Duty Mobile काफी बड़ी है, Clash Royale की सारी Supercell की काफी गेम्स बड़ी हैं यहाँ पर, जिनको हमें काफी ऑफन देखने को मिलता है कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स दे फोकस अ लॉट ऑफ टाइम एंड देयर एफर्ट इनटू यू नो शोकेसिंग दीस पर्टिकुलर गेम्स. ठीक है, ये तो चलिए हो गए बड़े टाइटल्स. अब मान लो कोई होता है जो रेनबो सिक्स सीज खेलता है, या मे बी कोई डोटा खेलता है, ये जो टाइटल्स है ना, ये कहीं ना कहीं लाइक छुप से गए हैं, दब से गए हैं जो बड़े टाइटल्स हैं उनके अराउंड. तो लाइक उनको कैसे एक्सप्लोर करें लोग और उनके टूर्नामेंट्स के बारे में कैसे जाने? सो एक तो आई थिंक द कोर ऑफ इट कि आपको ऑनलाइन तो कम्युनिटीज को कनेक्ट करना ही पड़ेगा. एक तो ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं, ग्रुप्स हैं इन पर्टिकुलर गेम्स के, यू कैन ऑफ कोर्स डिस्कॉर्ड हो गया, फेसबुक हो गया और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो न्यूज आउटलेट्स हैं इस टाइम पे जैसे टॉकी स्पोर्ट्स, एफके, स्पोर्ट्स कीड़ा, आई थिंक दीज आर द प्लेसेस यू नीड टू बी सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग. बिल्कुल. तो क्या आपको लगता है कि एक जो गेमर है उसको गेम स्विच करना चाहिए? जैसे कि मान लो वो डोटा खेलता था, ठीक है, डोटा के टूर्नामेंट्स अचानक से लाइक बहुत कम हो गए इंडिया में या बंद हो गए, तो उसको दिख रहा है कि वैलोरेंट के टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, वैलोरेंट का ई-स्पोर्ट्स है, तो शुड ही मूव फ्रॉम डोटा टू वैलोरेंट जस्ट बिकॉज ही इज अ कॉम्पिटिटिव गेमर एंड ही कैन नॉट स्टे बिहाइंड द फैक्ट दैट ही इज नॉट एबल टू कम्पीट? सो देयर्स टू थिंग्स हियर, लाइक नाउ मोर देन एवर ड्यू टू the power of internet. अभी ऐसा अगर इंडिया में कोई गेम स्पेसिफिकली लिमिटेड है या उसका ग्रोथ नहीं हो रहा इंडिया में, ऑन अ ग्लोबल लेवल इज समथिंग दैट ही कैन इजीली, ही और शी कैन इजीली एक्सप्लोर. जरूरी नहीं है कि इंडिया में अगर डोटा नहीं चल रही इस टाइम पे, डजंट मीन कि साउथ एशिया में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में नहीं चल रही ये गेम. सो इफ यू आर एट दैट कम्पिटिटिव लेवल जहाँ पे आपको पता ही है कि आप में स्किल है और आप खेल सकते हैं इस गेम को on that high of a level, I think that opportunity still remains to you. हाँ, एंड अगर if you feel that अभी वो स्किल नहीं है, चाहे वो एज के कारण हो, चाहे वो एक्सपोजर के कारण हो, फॉर एग्जाम्पल अभी कोई न्यू प्लेयर है अब क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है इस टाइम पे, then he could potentially look at you know changing his line of game, but making a big jump from Dota to FPS is going to be you know difficult decisions to be made. But yes, Dota wala example aapka काफी like it's one an extreme example actually. तो चलिए अब हम अगले question की तरफ चलते हैं जो कि है, what is the right age to enter esports? कुछ है age? क्या लगता है? यार, I would suggest it's age is just a number at the end of the day. ऐसा जरूरी नहीं है कि I think one of the key things that you definitely need to keep an eye out for is ki there's a minimum age to play a game also. Okay. Usko na bhulein. So, usko to keep that in mind, I would still suggest ki education is something that should never be put on a backseat throughout your esports career. Theek hai? Because it's
स्पोर्ट्स करियर का जो प्राइम एज है वो 16 से 24, लेट्स से 16 से 26 है. आफ्टर यू इट्स अ नेचुरल एज थिंग, राइट? योर रिएक्शंस एंड एवरीथिंग विल स्लो डाउन. तो इट्स माय पर्सनल ओपिनियन दैट यू नो 16 इज अ गुड एज टू काइंड ऑफ गेट इनटू इट, राइट? यू आर ऑन योर प्राइम 16 18 20 21 24. दिस इज अ गुड window for you to you know enter esports and make the most out of the opportunity that you have. So 16 would be the right number, and 16 at 16 you've also kind of finished that major, like a first leg of your education, and wo aapke ek do saal ka wahan pe flexibility bhi mil sakti hai us time pe, agar of course your family and everyone agrees. It's going to be you know, kyunki jis tarah ke culture mein hum is time pe hain, Indian culture hai, वो एजुकेशन पे बहुत फोकस करता है कंपेयर टू अदर कल्चर्स. आई मीन सम आर स्ट्रॉन्ग, सम आर यू नो लेस लीनियंट टुवर्ड्स दिस. सो लुकिंग एट आवर इंडियन कल्चर आई वुड से यस 16 इज अ गुड एज टू लुक एट इट. ये बात बताइए कि मान लीजिए कोई 16 साल का है या मे बी लेस देन दैट, और ही क्वालिफाइड फॉर सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट. सो विल ही बी एबल टू ट्रैवल एंड कम्पीट, लाइक मे बी फ्री फायर का कोई टूर्नामेंट हो रहा हो? एब्सोल्युटली. व्हाट विल स्टॉप हिम फ्रॉम traveling? Visa mil jayega aapko, ticket mil jayega aapko. Now more than ever jo tournament, jo publishers hain, game publishers, they're running their own tournaments. Wo sara aapka travel, stay, sab kuch, even aap visa ka bhi aapka pura dhyan rakhte hain. That's nice. You don't need to, a lot of the it's they're simplifying the, you know, the process basically, because more than you, even they want the best players to be at the tournament. Okay. Right? Unko bhi chahiye ki best log aaye, jo dunia ke best players hain, India ke best players hain. You know, saath wali sab dunia ke jo best players hain, aaye khelein. To visa support jo hai, travel support hai. जो भी जीत रहे हैं उनके सहूलियत के लिए. तो दिस इज समथिंग नाइस जो कि आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, ताकि आप लोग पे इतना बर्डन ना पड़े, आप लोग अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कर सको और अपने पेरेंट्स पे भी इतना प्रेशर ना डालो कि नहीं मुझे, मैंने क्वालिफाई कर लिया, मुझे जाना है, दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है. तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है. अब जैसे हमने पेरेंट्स की बात करी है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको खेलना तो होता है बट उनके पेरेंट्स अग्री नहीं करते या पेरेंट्स मानते नहीं है कि ई स्पोर्ट्स में भेजेंगे लड़के को, लड़की को या जो भी है. तो क्या है, लाइक कैसे पेरेंट्स को आप मना सकते हो? यार अब देखो, कंपेटिटिव गेमिंग जो है, द थिंग इज, लुक आई वुड से कि अभी जो हमारा जो टाइम स्पैन चल रहा है इस टाइम पे, ये प्रॉब्लम जो है हमारे अगले 10 साल में नहीं रहेगी, क्योंकि काफी गेमर्स हैं जो अब पेरेंट्स बन रहे हैं और उनके जो बच्चे हैं वो उनको अंडरस्टैंडिंग होगी कि गेमिंग क्या है इन जनरल और ई स्पोर्ट्स क्या है. बट हाँ, इस टाइम पे वो प्रॉब्लम है क्योंकि पेरेंट्स हैं अब बच्चों के जिनको कोई आइडिया नहीं हो कि ई स्पोर्ट्स क्या होता है. एंड आई फील दैट इट्स, आपको एक एजुकेट करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को, एंड यू आपको भी पेशेंट होना पड़ेगा आपके पेरेंट्स के साथ, क्योंकि आप अब एज अ पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक बच्चा है जो यू नो खेल रहा है, गेम खेल रहा है, अच्छी खेल रहा चाहे, अब उसको पेरेंट्स को कुछ पता नहीं गेम के बारे में. ना बच्चा से इसकी, अब तो मेरे को यार बॉम्बे जाना है टूर्नामेंट खेलने के लिए, वो मेरे को स्पॉन्सर कर रहे हैं, मैं 16 साल का हूँ या 15 साल का हूँ. देयर लाइक, यार तू अभी दुनियादारी नहीं पता, तेरे को उठ के बॉम्बे जा रहा है. सही बात है. हाँ, उनका कंसर्न भी होता है. बट आई थिंक इट्स ये मोर, अगर आप पेरेंट्स को एजुकेट करोगे धीरे धीरे कि ये देखो क्या हो रहा है. 2021 में आपके पास इतने ज्यादा टूल्स अवेलेबल हो चुके हैं आपको अपने पेरेंट्स को एजुकेट करने के लिए. आप उनको टीवी पे ई स्पोर्ट्स दिखा सकते हो, उनको हॉटस्टार पे ई स्पोर्ट्स दिखा सकते हो, उनको सोनी लिव पे ई स्पोर्ट्स दिखा सकते हो, यूट्यूब दिखा सकते हो. आप उनको दिखा सकते हो कि जी ये एक जेन्युइन चीज है. एंड अभी क्या है कि बड़े ब्रांड्स भी हैं. अगर आप फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल लेता हूँ कि एसुस आरओजी कप हो रहा है, ठीक है. अब ये तो है नहीं कि एसुस कोई छोटी ब्रांड है, बिल्कुल राइट. आप उनको दिखा सकते हो, यार देखो ये हो रहा है, ये यार ये ड्रीम हैक हो रहा है, ड्रीम हैक में ये स्पॉन्सर्स हैं, ये देखो पिछले 2 साल हुआ है, ये वीडियोस देख लो, ये स्टेजेस बनी थी, ये बंदे जीते थे, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां जाके खेलने के लिए,
और ये प्राइस पूल है इसका. प्राइस पूल इज ऑल्सो अ वेरी लुक्रेटिव थिंग राइट नाउ, क्योंकि अभी मोर देन एवर हर एक चीज में 10-10, 15-20 लाखों रुपए अब आ रहे हैं प्राइस पूल में. तो ये चीज अब मैं नहीं कहूंगा कि बहुत मुश्किल हो गया है पेरेंट्स को समझाना. आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप पेशेंटली अपने पेरेंट्स को धीरे धीरे एजुकेट करें उनको कि देखो ये एक अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी आपकी जो बहुत ही पर्टिकुलर टाइम पे है अवेलेबल आपको, राइट. जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर कंपेरेटिव सीन की तरफ से देखो तो 16 से 24 वाला जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उसके लिए, क्योंकि योर रिफ्लेक्सेस, राइट, how quick you are, कितना thinking है आपका, वो matter करता है उस time पे. तो ये मेरा personal belief है, but this 16-24 is also you know a prime time for your education as well. बिल्कुल. तो ये parents का pushback रहेगा उस time पे, but I think gamers के पास ability है कि अपने education पे भी focus कर सकते हैं साथ के साथ. But बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, ये भी है कि वो ignore करने लग जाते हैं studies को. यही चीज गलत हो जाती है. या देखो e-sports जो है, अगर हम गेमिंग इकोसिस्टम को देखें एज अ ट्रायंगल देखते हैं हम कि ये गेमर्स हैं, ये फिर हार्डकोर गेमर्स हैं, और फिर कुछ पीक पे ना जो 1% e-sports टॉप प्लेयर्स हमारी कंट्री के, आप देखें कि एस्पिरेशन है वो काफी लोगों के पास है कि मेरे को e-sports करना है, पर आप अंडरस्टैंड करें कि द टॉप इज 1%, राइट. इन्होंने ही मेजोरिटी यू नो सक्सेस है इनके पास पैसा आएगा फॉर एग्जाम्पल. तो काफी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है, एजुकेशन में भी रहा है हमारी कंट्री में कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, और गेमिंग में भी है. तो अगर आप सारे अपने एग्स इन द सिंगल बास्केट, अपने अंडे सारे अगर आप एक बास्केट में डाल दोगे, ये मेरी ई स्पोर्ट्स की बास्केट है, ये मेरी एजुकेशन की बास्केट है, मैंने अंडे सारे इसमें डाल दें, ये दिस कुड एट द एंड कम बैक एंड हॉन्ट यू, क्योंकि आपने एक जो 16 से 24 जो आपकी ई स्पोर्ट्स वाली एज है, 16 से 24 आपकी एजुकेशन वाली भी एज है. सो बैलेंसिंग एक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होगा कि आप 24 साल के, 25 साल के, 26 साल पे आपका ई स्पोर्ट्स अगर करियर खत्म हो जाता है, यू डोंट ट्रांजिशन टू, यू हैव एन ऑप्शन टू ट्रांजिशन इनटू अनदर करियर पाथ उस टाइम पे, एंड यू लुक बैक एंड यू हैव नॉट फिनिश्ड योर एजुकेशन व्हिच कुड कम एंड हॉन्ट यू लेटर इन द लाइफ. मे बी आप कोई जॉब फाइंड करने जा रहे हो, वहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन पूछेंगे, आप क्वालिफाइड नहीं होंगे, फिर वो कहेंगे भाई आप कर क्या रहे थे उस टाइम. तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि मैं कम्पीट कर रहा था गेम में. अगर हम लोग दूसरों को छोड़ें, अगर हम अपनी बात करें, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन मतलब कॉलेज ग्रेजुएशन सब खत्म है, ऑपरेशन मैनेजमेंट किया है मैंने, पर मैं लाइक ई स्पोर्ट्स में मैंने इतना करियर नहीं बनाया. मैंने ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की तरफ, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर की तरफ करियर बनाया. बिल्कुल. बट आप गेमिंग से जुड़े हुए थे, मतलब आपका करियर से इसके अराउंड ही है, जो कि लोग फैसिनेटेड होते हैं गेमिंग के अराउंड, मुझे अपना करियर बनाना है. तो इन्होंने भी अपना क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करी हैं, सारी चीज़ें सीखी हैं, फिर उसके बाद किया है. अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम ऑल्सो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, एंड मैंने जॉब भी करी हुई है, उसके साथ साथ मैंने स्ट्रीमिंग करी थी, उसके बाद साथ साथ मैंने ये चैनल चालू किया, एंड देन थिंग्स आर गोइंग आउट. बट अगर आप सोचो कि मैं अपनी या बीए, बीकॉम, बीटेक ग्रेजुएशन छोड़ दूँ, मैं ट्वेल्थ छोड़ दूँ, क्योंकि वो एज है, अगर आप 16 इयर्स के एज पे कंप्लीट कर रहे हो, वो एज है, वो आपके 12th की, 11th की, आप उसमें हो गए. तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन भी काफी रिलेटेबल है. इज ई-स्पोर्ट्स अ करियर इन इंडिया राइट नाउ? करेक्ट आंसर इट इज यस, कि हाँ है, ई-स्पोर्ट्स करियर है. पर फ्रॉम अ प्लेयर परस्पेक्टिव यू करंटली लुक एट इट कि कितने कम लोग हैं जो इंडिया में पेड सैलरी कमा रहे हैं फॉर प्लेइंग, कंपेयर टू कितने लोग इस टाइम पे सैलरी कमा रहे हैं कि ई-स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काम. तो यहाँ पे दो पाइज हैं, एक छोटी पाई है जिसमें जो मैं बोलूंगा 1% ऑफ द 1% बैठे हुए हैं, कि टॉप प्लेयर्स हमारी कंट्री के कितने पेड टीम्स अभी हैं हमारे पास एस्टैब्लिश. यू कैन प्रॉबली टेल मी इफ आई एम रॉन्ग और नॉट हियर, आई डोंट थिंक कि 20 या 30 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पेड कर रही हैं. और अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे जो कितना पे कर दिए. हाँ, वो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे अभी हम, ठीक है, वो सेकेंड प्रॉब्लम हमारी. ये 30 जो ऑर्ग्स हैं इस टाइम पे, ई स्पोर्ट्स ऑर्ग्स हैं, जो टीम्स रन कर रही हैं, उनको सैलरी दे रही हैं, रहने को दे रही हैं, कुछ भी, चाहे वो घर पे बैठ के सैलरी दे रहे हैं या उनको बुला के सैलरी कर रहे हैं, 30 हैं यार, राइट. एंड उसमें अगर आप 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, यू कैन डू
150 लोग हैं जो इस टाइम पे ई स्पोर्ट्स पे करियर, ई स्पोर्ट्स कंपेटिटिव ई स्पोर्ट्स पे करियर बना के बैठे हैं। बट कंपेयर दिस टू एवरीथिंग एल्स राइट, जो ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में कंपनीज बैठी हैं वो मच हायर चांस है वहां पे आपको। और ई स्पोर्ट्स कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है, हर एक ब्रांड हर एक कंपनी में अब ई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स भी बनने लग गए हैं। दे हैव स्पेसिफिकली स्टार्टेड हायरिंग पीपल फॉर ई स्पोर्ट्स एंड गेमिंग। तो हाँ, ई स्पोर्ट्स करियर ऑप्शन है, कंपेटिटिव ई स्पोर्ट्स की भी करियर ऑप्शन है, पर उसमें बहुत यू हैव टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिटिव। काफी लोगों को आपको भी आता होगा ये ईमेल्स राइट, कि मैं प्लेयर हूँ, मैं एक्स प्लेयर हूँ, मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, मेरे पास डिवाइस नहीं है, आप डिवाइस दिलवाते हैं, मैं टॉप प्लेयर बन जाऊँ। बिल्कुल आता है, नहीं बिल्कुल, रोज मेरे को ईमेल आती है ऐसी, और मैं हर रोज इसको पहले मैं रिप्लाई करता था, वो भी बंद कर दिया मैंने। यू नीड टू बी द बेस्ट बिफोर यू आर एबल टू गेट दीज डिवाइसेज एंड एवरीथिंग। अगर आप बेस्ट हैं, चाहे आपका वो 8,000 वाला फोन हो या 4,000 वाला फोन हो, आपको बेस्ट होना पड़ेगा बिफोर एनीवन विल गो अहेड एंड इन्वेस्ट इन यू। यू हैव टू बी द बेस्ट विद दैट। ये जरूरी नहीं कि सब जो टॉप प्लेयर्स हैं वो इसीलिए टॉप प्लेयर्स बने हैं कि उनके पास बेस्ट मोबाइल फोन था। वो ये बिल्कुल एक जो जर्नी है बेस्ट प्लेयर की, उसको पूरा क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं यार उसके पास आईफोन है इसीलिए वो बेस्ट प्लेयर। नहीं, वो आईफोन उसके पास होने से पहले एक नॉर्मल फोन था, उसके पास नहीं थे पैसे उस टाइम पे, वो नॉर्मल फोन पे खेलता था, और उसने उसी फोन पे अपने आप को प्रूव किया है, उसी फोन पे उसको अपॉर्चुनिटी मिली है उसी फोन कारण। उसके बाद उसके पास एक एक्सपेंसिव फोन आया जिससे वो इवन बेटर हुआ है। बिल्कुल, और यही चीज वो लोग लाइक सुनते नहीं है, समझते नहीं है, और उन लोग की स्टोरी जानते नहीं है। उनको लगता है कि सब चीजें उनको बस सोने की थाली में मिली हैं और उन्होंने बस खेलना शुरू किया एंड दे आर द बेस्ट। तो ये ई स्पोर्ट्स का कॉम्पिटिटिव साइड वाला करियर हो गया। अब अगर हम बात करें लाइक नॉन कॉम्पिटिटिव साइड वाला करियर, तो वहां पे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो लोग सोच सकते हैं, जिन्होंने अभी तक सोचा भी नहीं है कि ये भी करियर हो सकता है, तो कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं? आई विल जस्ट गिव यू एग्जांपल, जो हम पहले 150 बंदों की बात कर रहे थे, अकेले नॉर्डविन ने ही 100 बंदे हायर किए हुए हैं हमारे पेरोल पे, और उसमें से कोई कॉम्पिटिटिव प्लेयर नहीं। जस्ट इमेजिन गाइस, हाँ, इस सिर्फ नॉर्डविन गेमिंग ने 100 बंदों का हमारा पेरोल है महीने का जो भी है, 100+ हो गया होगा इस टाइम पे एक्चुअली। तो उनमें से कोई भी सिंगल ईस्पोर्ट, हम एक्चुअली वी नॉट अ टीम राइट, वी नॉट अ ईस्पोर्ट्स टीम और समथिंग, वी आर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स एंड वी डू अदर गेमिंग सर्विसेज। तो हमारे में हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, कंटेंट राइटर मिलेंगे, क्रिएटर्स बंदे मिलेंगे, कैमरे के आगे होस्ट मिलेंगे, कास्टर्स मिलेंगे, मार्केटिंग वाले बंदे मिलेंगे, फाइनेंस वाले बंदे मिलेंगे। तो और बहुत सारे हमारे करियर ऑप्शंस हैं आपको, लीग ऑपरेशंस राइट, लाइव वीडियो प्रोडक्शन वाले मिलेंगे, वीडियो एडिटर्स मिलेंगे, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। और इन्हीं से तो ये एक मौका है लोगों के पास जिनको गेमिंग फील्ड में, ई स्पोर्ट्स फील्ड में यू नो काम करने का जिनका रिक्वेस्ट है, उनके लिए बेस्ट है ये कि मे बी आप उस लेवल पे नहीं हो कि आप यू नो बेस्ट प्लेयर हो, पर आपको ई स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट है कि आपको एक ई स्पोर्ट्स कंपनी के साथ जुड़कर काम करने का मौका मिले, आप उससे काफी खुश हो। और यही तो यही मेरे आंसर है इस पे कि ई स्पोर्ट्स, इफ यू आर नॉट लुकिंग एट कंपेटिटिव इंडस्ट्री, एक नॉर्मल ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काफी ऑप्शन हैं, जॉब के ऑप्शन हैं जो आप ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या एजुकेशन इंटरेस्ट है। जो 16 से 24 के बीच में आपने अपना जो सीवी बिल्ड किया है वो किस डायरेक्शन में गया, ठीक है? तो चाहे आप उस टाइम पे यू नो बिजनेस की तरफ जा रहे हो तो बिजनेस की साइड पे आपको जॉब्स मिल सकती हैं, क्रिएटिव की साइड जा रहे हो तो क्रिएटिव साइड में जॉब मिल सकती है, आपको काफी अपॉर्चुनिटी है। तो जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल इंडस्ट्री, ई स्पोर्ट्स भी एक बड़ी इंडस्ट्री बन रही है हमारे कंट्री में और काफी उसमें अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। तो जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उसको फॉलो थ्रू कर सकते हो ई स्पोर्ट्स में। बिल्कुल, बहुत तरीके के स्किल्स ज़रूरी हैं इस फील्ड में रहने के लिए, जो कि आप बिल्डअप कर सकते हो ओवर द टाइम, 16 से 24 साल जैसे बताया है, मे बी 24 के ऊपर भी हो चुके हो आप और स्टिल आप फैसिनेटेड हो कि मुझे इस फील्ड में जाना है। तो आप बहुत सारे फील्ड्स हैं, इनफैक्ट अभी उन्होंने एक फील्ड नहीं बोली जो कि है स्ट्रीमिंग। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव गेमर थे, आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग थी या जो भी था,
उसके बाद आप में बहुत सारे लोग होते हैं जो स्ट्रीमिंग में भी स्विच कर लेते हैं, दे हैव रिटायर्ड एंड दे हैव स्विच टू स्ट्रीमिंग, दे आर नाउ फुल टाइम स्ट्रीमर, तो ये भी एक काइंड ऑफ आप स्विच कर सकते हो. बिल्कुल. तो ये था पूरा ई स्पोर्ट्स के इन डेप्थ हमारा जो सेशन था विद गौतम. काफ़ी कुछ जानने को मिला आप लोगों को कि ई स्पोर्ट्स के बारे में, कि क्या होता है ई स्पोर्ट्स, कैसे जाते हैं ई स्पोर्ट्स में. और ये एक काइंड ऑफ एक होता है ना, सबने एक हवा सा बनाया हुआ था जिसमें जो छोटे बच्चे हैं जिनको लाइक अभी जिन्होंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सुना है समझा है, उन लोगों को समझ ही नहीं आता था ये ई स्पोर्ट्स क्या है. वो आके रैंडम क्वेश्चंस करते हैं, वो पूछते हैं कि ये क्या होता है. तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर इन्फॉर्मेशन लगी हो, जो कि मुझे लगेगा कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं भी एक गेमर हूँ, मैं भी ई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल रह चुका हूँ, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इन्फॉर्मेशनल वीडियो है. तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो कि ई स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, जो भी इस ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते होंगे या आस पास से पूछते होंगे, अपने पेरेंट्स को मनाने की बात चाहे हो जाए, या ई स्पोर्ट्स में कौन सा गेम खेलना चाहिए इस बारे में अगर हो जाए, तो कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है इस टॉपिक से जो आप रिलेट कर पा रहे हो, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना. और थैंक यू सो मच गौतम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस एंड डिस्कसिंग अबाउट ई स्पोर्ट्स इन इंडिया राइट नाउ. तो काफ़ी मज़ा आया आप लोग आपसे बात करके एंड काफ़ी कुछ जाना है. सो यप, थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको भी. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एक्चुअली इट वाज वेरी एंजॉयबल टू टॉक टू यू. एंड जनरली जस्ट कि इस टॉपिक पे बातचीत ज़्यादा नहीं होती, तो मैं भी अब पेरेंट बन चुका हूँ, आई एम 34 ईयर्स ओल्ड नाउ. तो मेरा वो जो माइंडसेट है जो ओवर द ईयर्स, अब I have to think as a parent as well. So, mere answers jo hain, it could have been a very different answer if I was 24 or 25 when we had just started. So, abhi an industry kaafi grow bhi kar chuki hai tab se. So, I would say ki now it's more than ever, and I feel ki agle 10 saal mein ye jo e-sports aur gaming wali discussion kaafi normal ho jayegi households ke andar, kyunki hamare jaise log जो अब बड़े हो रहे हैं, यू आर ऑल्सो मैरिड नाउ, सो होपफुली गुड न्यूज विल कम सून एंड यू नो योर किड्स विल ऑल्सो बी हियर. हमारे हमें पता है ई स्पोर्ट्स क्या है, हमारे पेरेंट्स को पता है ई स्पोर्ट्स क्या है, हमारे पेरेंट्स को गुड एंड बैड सब पता है गेमिंग के बारे में, एंड वी कैन टेक अ मोर बेटर डिसीजन फॉर आवर किड्स इन द फ्यूचर. बिल्कुल बिल्कुल. सो थैंक यू सो मच, आई विल टेक योर लीव नाउ. टेक केयर गौतम, थैंक यू, बाय. सो दिस वॉज इट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग ई स्पोर्ट्स या कोई फर्दर क्वेश्चन हो, जो कि मैं कमेंट सेक्शन में आपका आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में. एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो इस वीडियो का जो मेन मोटिव है जो कि है कि आप लोगों को लाइक बताना आप समझाना कि ई स्पोर्ट्स की दुनिया के जो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मन में आते हैं वो सारे हमने क्लियर किए हैं, तो ये जो पार्ट है अगर आप इसको शेयर नहीं करोगे तो ये कहीं ना कहीं फिर से उठेंगे क्वेश्चंस और फिर से लोग पूछेंगे सब क्वेश्चंस को चैट में या मे बी किसी और स्ट्रीमर की चैट में. तो अगर ये वीडियो आप लोग शेयर करोगे तो मे बी बहुत सारे लोगों का भला होगा, बहुत सारे लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को पा पाएंगे. सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑन माय लाइव स्ट्रीम्स. सब्सक्राइब करना मत भूलना विद द बेल आइकन. बाय गाइज़.